छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर संभाग के 7 जिले नक्सल प्रभावित इलाके हैं और किसी भी मौसम में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहते हैं। बरसात के दिनों में ऑपरेशन चलाना जवानों के लिए चुनौतीपूर्ण काम होते हैं, मगर कुछ वर्षों से बरसात में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिससे इन इलाकों में जवानों को फायदे भी मिल रहे हैं। बरसात के दिनों में जंगल पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाता है। नदी नाले उफान पर होते हैं, जिसे देखते हुए जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। बरसात के समय में होने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए सभी सामग्री जवानों को उपलब्ध कराई जाती है। कुछ सालों से बरसात में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें पुलिस को बेहतर फायदे मिले। 2022 में मानसून ऑपरेशन में एक जवान एनकाउंटर भी हुआ था, जिसमें 3 नक्सलियों की डेड बॉडी भी मिली थी। सुरक्षा बल के जवान बरसात में भी बेहतर ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं बस्तर आईजी ने बताया कि वर्ष 2022 में मानसून की अवधि में भी लगातार सुरक्षा बल द्वारा अंदरूनी सीमा के इलाके में नक्सलियों संचालित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप विगत महीने का 3 माओवादी कैडर का डेड बॉडी भी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए थे और अन्य इलाके में लगातार कार्रवाई भी जारी है। इस दौरान जवानों के लिए अंदरूनी क्षेत्र में जो नदी नाला पार करने के लिए उनका जो रिवर क्रॉसिंग का जो इक्विपमेंट्स है और अन्य जितना भी साधन उनकी आवश्यकता होते हैं उसको उपलब्ध की जाती, ताकि वो लोग सुरक्षित तरीके से इन परिस्थिति में भी अपना कार्य को संपादित कर सकता है। और जैसा ट्रेनिंग में भी रिवर क्रॉसिंग का उनका जो सावधानी क्या क्या लेने चाहिए, इन सब तमाम विषय पर उनका लगातार ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस अवधि में सुरक्षा बल के जवान द्वारा न सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान, साथ साथ जो बाढ़ प्रभावित इलाके में जो आम जनता को जो किस प्रकार के तकलीफ हो रहे थे उनको भी राहत पहुंचाने के भी कार्य किए गए थे। उदाहरण स्वरूप बीजापुर जिला के गंगूर इलाके में 2 दिन पूर्व में एक महिला प्रसव पीड़ से काफ़ी परेशान थे, उनका नदी पार करके उनका सुरक्षित तरीके से प्रसव भी सुरक्षा बल के जवान या SDRF के जवान द्वारा किए गए थे। इस प्रकार नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ क्षेत्र में जन सेवा में भी हमारे जवान लोग समर्पित होकर काम कर रहे हैं। सर, पिछले बार जो हमको बरसात में फायदे मिले थे और इस बार क्या उम्मीद है? जैसा वर्ष 2022 में पूर्व वर्ष के अनुरूप लगातार अभी ऑपरेशन संचालित करने के परिणाम स्वरूप हमें 3 एरिया कमेटी कैडर के लेवल के जो माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और अनेक जो इलाके में जो माओवादियों की गिरफ्तारी और अन्य जो प्रभावी कार्रवाई भी की गई थी। इसके साथ साथ पूर्व में जो विकास कार्य को भी जो गति प्रदान की गई थी उसी के परिणाम स्वरूप अंदरूनी क्षेत्र के लोग का भी जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने में भी काफ़ी सुविधा भी हो रहे थे। उदाहरण स्वरूप जो बासागुड़ा तरेम रोड जो कार्य पूर्ण किए गए थे और उसी हिसाब से इंद्रावती नदी के ऊपर चिंदनार जो पुलिया जो काम कम्प्लीट किए गए थे 2022 में, उसके फायदा जो अबुजमाड़ साइड के जो दक्षिण ब्लॉक एरिया को अपना जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने में भी सुविधा हो रही थी। इस प्रकार सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा विगत महीने में जो किए गए कार्य का फायदा भी क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। DCP24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।